Hello everyone, welcome you all YouTube channel Life is Awesome Civil. और देखिए व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक 30x30 प्लान के बारे में। दो टाइप के प्लान्स हैं, 1BHK और 2BHK, सेम उसी जगह में बनाए गए हैं। और हमारा मोबाइल नंबर है 8095615113, ओके 8095615113 ये मेरा मोबाइल नंबर है। व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो 30x30 इस प्लान के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं और ये ईस्ट फेस है। एंड आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग जो है वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा है, तो सब्सक्राइब करिए। और हमें भी खुशी होता है कि हमारा वर्क जो भी वर्क कर रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, और आपको भी हेल्पफुल हो सकता है मे बी। एंड आपको पर्सनली कोई प्लान चाहिए तो उसके लिए कुछ फीस रहेगा, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है नंबर, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो ये प्लान जो है 900 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, बट बिल्ट अप एरिया उससे भी कम ही है। और इस वीडियो के अंदर हम इस टॉपिक के बारे में कवर करना चाहते हैं, जैसे कि इसका कॉलम साइज, कॉलम पोजीशन, और इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या हो सकता है, इसे कंस्ट्रक्ट करने में कितना दिन चाहिए, इन कुछ छोटे जानकारियाँ आज डिस्कस करना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं इस प्लान के बारे में। जैसे कि देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, यहाँ एक प्लान है, इधर एक प्लान है। ये सबसे दोनों में भी बेहतर है, सिंगल फैमिली पर्पज़, और अगर एक एक्स्ट्रा रूम चाहिए और एक एक्स्ट्रा बेडरूम चाहिए आप लोगों के लिए, तो ये एक प्लान भी बेटर रहेगा। इस प्लान में इस तरह से है, जैसे कि ये रोड एरिया, ओके यहाँ से रोड एरिया है, 30x30 में बना, 30x30 है। और रोड एरिया, रोड से आप एंटर हो गए पार्किंग एरिया में, जिसका साइज जो है 14x6x11 4 फीट का एक पार्किंग एरिया आ जाएगा। एंड पार्किंग का हाइट कितना लेना चाहिए, तो देखिए पार्किंग का हाइट आप ले सकते हैं करीब रोड लेवल से 3 फीट लीजिए, अगर रोड नहीं रहा तो 3 फीट तक ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टेयरकेस, स्टेयरकेस का साइज कितना, तो स्टेयरकेस को आपको जगह चाहिए 6x15 तक तो जगह चाहिए, उसके नीचे जो है सेपरेट टैंक आ जाएगा। एंड एक टॉयलेट रूम भी ले सकते हैं। फिर पार्किंग लेवल से जो है आप अपना बेसमेंट लेवल, यानी कि डोर लेवल, मेन डोर लेवल तक लिया जा सकता है, करीब 1.5 फीट से 2 फीट लीजिए, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा कम लीजिए। रीज़न यही है कि यहाँ पर जो है स्टेप्स आ जाते हैं घर के सामने, एंट्रेंस के लिए तो चाहिए ना स्टेप्स, पार्किंग से आप मेन डोर के लिए एंट्रेंस जो दो स्टेप्स आ जाएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम लीजिए, ओके। एंड यहाँ पर वेल है, बोरवेल पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर एक हॉल जिसका साइज जो है 10x6x11 फीट 9 इंच हॉल लिखा है, बट इसमें तो एक्चुअली सिंगल ही आ जाएगा, सिंगल बेडरूम में, बट इसमें एडजस्ट किया गया। हॉल का साइज जो है 10x6x11 फीट 9 इंच का। यहाँ पर टीवी रखने के लिए जगह, एंड यहाँ पर जो है सिट आउट के लिए जगह मिलेगा आपको, बैठने के लिए उस तरह का जगह आप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, इधर एक विंडो चाहे तो एक विंडो लिया जा सकता है, जिसका साइज नॉर्मली 5x4 फीट का आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर वहाँ से एंटर हो गए सीधा ये वाला बेडरूम, जिसका साइज जो है 10x6x8 फीट का एक बेडरूम आ जाएगा, 10x6x8 फीट का बेडरूम। एंड यहाँ पर एक विंडो और इधर एक विंडो, ऑप्शनल रहेगा आपके पास विंडो लेने के लिए जगह। अगर यहाँ पर आप अलमीरा कबर्ड शेल्व्स बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से इधर तक जो है आप बेड लेटाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट इधर ओपनिंग रखा गया है, यहाँ पर ओपनिंग जो है करीब 3 फीट 6 इंच का ओपनिंग रहेगा। वहाँ से एंटर किए तो इधर एक किचन आ जाएगा, 6x9x12 फीट का एक किचन। एंड यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं, एक सेपरेट मंदिर बना सकते हैं, और वो भी छोटा सा आप कर्टेन वॉल ले सकते हैं, वहाँ पर पर्दे से बनाते हैं ना उस तरह का, पर्दा जाली उस तरह का। एंड यहाँ पे किचन शेल्स और किचन कट्टा यहाँ पर लिया जा सकता है, और किचन का साइज़ जो है 6x9x12 फीट का किचन, ओके। इधर डोर लेना नहीं लेना वो एक ऑप्शनल रहेगा, अगर आप डोर नहीं लिए तो वहाँ पर एक विंडो भी ले सकते हैं। किचन में विंडो का साइज़ कितना रहेगा, तो देखिए किचन में विंडो का साइज़ आप करीब
4 बाई 2.5 फीट का ले सकते हैं लिंटर लेवल के नीचे, एंड यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट एंड बाथ 3, 6 बाय 7 फीट, और वेंटिलेटर, यहाँ पे वेंटिलेटर का पोजीशन जिसका साइज जो है 2 बाई 1.5 फीट तक लीजिए वेंटिलेटर। अगर ऊपर स्टोरेज चाहिए तो स्टोरेज बना सकते हैं, या फिर आपको कंटिन्यूस वेंटिलेशन चाहिए और ग्रीजर वगैरह रखना चाह रहे हैं तो भी उसका हाइट थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, वो एक ऑप्शन रहेगा आपके पास। फिर देखिए नेक्स्ट, यहाँ से एंटर हो गए बेडरूम नंबर 1 में, 12 बाई 9 फीट का बेडरूम नंबर 1 का साइज़ रहेगा। एंड इस वाले बेडरूम में जो है शेल्व्स जो है नॉर्थ साइड ले सकते हैं आप, और शेल्व्स का साइज़ कितना रहना वो भी एक क्वेश्चन ही रहेगा। तो नॉर्मली क्या है, 18 इंच तक रहते हैं, 1.5 फीट तक आप ले सकते हैं, थोड़ा सा अपने पास जगह कितना है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ता है। ओके, इसमें विंडो इधर एक ऑप्शन रहेगा, एंड या फिर इधर स्ट्रेट टू स्ट्रेट एक ऑप्शन रहेगा आपके पास शेल्व्स छोड़ के, या फिर ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट से इस तरफ आ जाएगा विंडो। और नेक्स्ट बात करते हैं हम डोर साइज के बारे में, तो डोर का साइज कितना लेना, मेन गेट, तो मेन गेट का साइज आप ले सकते हैं 3 3 के 2 भाग लीजिए तो टोटल 6 फीट तक स्पैन लिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है मेन डोर का साइज, तो मेन डोर का साइज जो है आप अपना बजट पे भी डिपेंड रहता है, कोई लोग मतलब उनका बजट पे डिपेंड रहेगा टोटली, बहुत ही पैसे तो ज़्यादा चाहिए घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो करीब आपको 20 हज़ार से लेके 40 हज़ार तक भी डोर मिल जाते हैं नॉर्मल रेंज में, नॉर्मल डिज़ाइंस में, टीक वुड में। ओके, और आप ले सकते हैं यहाँ पर 4 से 5 फीट का डोर लीजिए। अगर आपको एक डोर के साथ एक विंडो चाहिए वर्टिकल विंडो उसके बाजू में, तो आप 5 फीट तक ले सकते हैं ओपनिंग। और फिर यहाँ पर डोर का साइज 3 फीट 3 इंच तक आ जाएगा, विदाउट वुडन चौखट या फिर वगैरह। और मेरा रिकमेंड रहेगा कि आपको चौखट के वुडन ग्रैनाइट चौखट के बदले वुड वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। ग्रैनाइट इस्तेमाल करना तो भी कॉमन टॉयलेट बात को ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला पोर्शन में आप 3 फीट 3 इंच का लीजिए, यहाँ पर 3 फीट 6 इंच आ जाएगा, बट यहाँ पर जो है आप ग्रैनाइट लीजिए, उसमें कोई ड्रिल करने का कोई दिक्कत नहीं रहेगा एंड टूटने का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इस प्लान के कॉलम पोजिशन के बारे में, तो कॉलम पोजिशन देख सकते हैं आप, इस तरह का 9 कॉलम में बना हुआ है, 1 2 यहाँ पर, 1 3, और इसी तरह से सेम 4 5 6 7 8 9, तो 9 कॉलम के अंदर बना सकते हैं। कॉलम का साइज़ कितना रहना, ना कॉलम का साइज़ आप ले सकते हैं 9 बाई 12 इंच का कॉलम। अगर आपको 3 4 मंजिल तक रेज करना है, 3 मंजिल तक रेज करना है, तो 9 बाई 15 इंच का कॉलम लीजिए। एंड उसका स्ट्रक्चर जो है हमें कैलकुलेट करना है, लोड किस तरह से आ रहा है उस पर टोटली डिपेंड रहेगा, निर्भर रहेगा। और बात करते हैं इस दूसरे वाले प्लान के बारे में, ये वाला प्लान में आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्किंग एरिया रहेगा 14, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ पर 14 6 बाई 11 फीट 4 इंच का पार्किंग एरिया आ जाएगा। एंड यहाँ से एंट्रेंस इधर एक सिंगल सा हॉल, जैसे कि मैं कल बताया था ये वाला प्लान में डिस्कस किया था ऑलरेडी, एंड इसमें भी हॉल का साइज जो है 10 6 बाई 15 फीट का है। एंड इधर यह भी कंफर्टेबल है, हॉल साइज़ बड़ा है, एंड इसके सामने एक कट्टा भी ले सकते हैं, जैसे कि सामने कट्टा लेके स्टेप्स ले सकते हैं, और इसका हाइट आप अपने से ले सकते हैं करीब 6 फीट टोटल ग्राउंड लेवल से जो है बेसमेंट लेवल, आप 6 फीट तक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा अगर आपके घर के सामने रोड नहीं रहा तो। ओके, एंड ये हॉल 10 6 बाई 15 फीट का। फिर देखिए यहाँ से आप एंटर हो गए किचन, 6 9 बाई 12 फीट का किचन है, यहाँ पर एक कॉमन टॉयलेट बाथ 3 6 बाई 7 फीट का, यह है बेडरूम नंबर 1, 12 बाई 9 फीट का एक बेडरूम नंबर 1 आ जाएगा। यहाँ पर ऑफसेट दिया गया 2 फीट 3 इंच, देखिए यहाँ पर एक पैसेज 3 फीट 6 इंच का पैसेज, अगर इन फ्यूचर में आप कंस्ट्रक्ट किए तो आपको भी हेल्पफुल हो सकता है दूसरे वाले रेंट पोर्शन को जाने के लिए। एंड यहाँ पर एक ऑफसेट है, 2 फीट का ऑफसेट लिया गया, तो इस तरह का अगर इसको आपको 3D में या फिर 3D डिज़ाइन में देखना चाहते हैं फ्लोर डायग्राम, तो आने वाले समय अगर वक्त सफिशेंट मिल रहा तो भी वो भी हम आपको करके दे सकते हैं। तो इस तरह का कुछ प्लान, सिंपल प्लान्स मैं आपको बताया हूँ, कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत ही कम सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, हमारे चैनल का सदस्य बनिए सब्सक्राइब, और रेड कलर के जो भी है वहाँ पर टैप करके जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना हो सकता है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको करीब 8 से 10 लाख तक बन सकता है कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, चाहिए चाहिए बिकॉज आज के ज़माने में बहुत कुछ
महंगा हो चुका है, तो महंगे की वजह से क्या है, लेबर कॉस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो उसकी वजह से आपको कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ेगा। घर बांधने से पहले ये एक ध्यान रख लीजिए कि आपके पास पैसे सफिशियंट है तो घर कंस्ट्रक्ट कर लिया। अगर आप कंस्ट्रक्ट करके एक आधा वर्क पे छोड़ दिए जो आपके लिए लॉस ही है, बिकॉज़ अगर आप वही पैसे किसी और को या फिर फाइनेंस के लिए दे या फिर कुछ दूसरे काम के लिए, उसका कुछ पैसे तो मिल जाते हैं आपको महीने महीने में, बट या फिर कौन से भी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट घर को जो है आप आधा अधूरा कंस्ट्रक्ट ना करें। अगर आपके पास सफिशियंट पैसे हैं तो ही आप घर कंस्ट्रक्ट कर लीजिए, आपको ये हेल्पफुल रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और मैं आने अगले वीडियो में आपको इसी तरह से कॉन्टेक्ट कर दूंगा, इसी तरह से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहेगा। आने वाले समय में और बेहतरीन से बेहतरीन जुड़े जानकारी हम आपको इस चैनल पर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। और हमारा ब्लॉग भी है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, कुछ इस प्लान का डिटेल भी हम दे देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद कि इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।